बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे खिलौनों जैसे। सभी माओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेस बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, I love you। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका, फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोल, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं, उनके पैर सफेद हैं, तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निकल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ, अब से पेस्ट्री खाऊंगा, थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, छोड़ूंगा नहीं मैं, रुको।
निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़े के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेस बदल के और आमे लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िये को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िये का पेट काटा, उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, 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 मम्मी। सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िये के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती।